हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है लेज़र। लेज़र मीन्स होता है बेटा कमी। और ये जो पोएम है इसके पोएट हैं W.H. Davis। तो इस पोएम में पोएट ने हमें ये बताया है कि आज के समय में सब लोग कितने बिजी हैं और यदि हमारे पास सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है तो वो है टाइम। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सभी लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। सो पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग कि हम अपने काम की वजह से, हम अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं, हम किन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, हम किन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो वी विल लर्न थ्रू दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर। हमारी जो ज़िंदगी है वो चिंताओं से भरी हुई है, तनाव से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना या रुकना, और स्टेयर मीन्स होता है देखना। तो हमारे पास थोड़ी देर रुककर किसी भी चीज़ को देखने का समय नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। बीनीथ मतलब नीचे, बोज मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ की शाखाएं। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े हो सकें और ठंडी छांव का आनंद ले सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउस, जैसे कि शिप और काउस होते हैं या गाय भेड़ और बकरियां होते हैं। नो टाइम टू सी वैन वुड्स वी पास। वुड्स मीन होता है बेटा जंगल, और पास मीन होता है गुजरना। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि जब हम जंगल से गुजरते हैं, व्हेन स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि हम ये देख सकें कि वहाँ पर जो गिलहरियाँ हैं वो उस घास में अपने नट्स या अपने अखरोट्स कैसे छिपा रही है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। इन लाइन्स में पोएट जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि जब बहुत तेज़ धूप होती है, सनलाइट बहुत तेज़ होती है, तो उसकी जो रेज होती हैं, उसकी जो किरणें होती हैं वो पानी पर पड़ती हैं तो वैसी ही चमकदार होती है, उनमें वैसी ही शाइनिंग होती है जैसे कि रात में हम आसमान में चमकते हुए तारों को देख सकते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लांस। हमारे पास समय नहीं है कि हम नेचर रूपी जो गर्ल है, जो हमारी प्रकृति है, उसकी सुंदरता को देख सकें, निहार सकें। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। बेटा हम देखते हैं कि जब जो नेचर होता है वो बहुत खुश होता है। बहुत खुश होने से मतलब है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि मानो झूम रहे हों, मानो डांस कर रहे हो। तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम ये देख सकें कि वो कैसे डांस कर रहे हैं और हम उनको एंजॉय कर सकें। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रीच द स्माइल हर आइज बिगैन। और जो नेचर रूपी गर्ल है उसका फेस कितना सुंदर लगता है, उसकी आंखों में कैसे चमक आती है जब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर डांस करती है। अ पुअर लाइफ दिस इज़। हमारी जो लाइफ है, हम बहुत ज़्यादा पुअर हैं। पुअर मीन्स होता है बेटा असहाय। हम बहुत असहाय हैं, हमारी ज़िंदगी में अभाव है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हमारा जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ चिंताओं से भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन से भरा हुआ है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम थोड़ी देर रुक सकें और प्रकृति के आनंद ले सकें, प्रकृति को देख सकें। सो बेटा आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।